आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है सब, आप लोग को आंसर बताना है। कमेंट में ये नहीं लिखना है कि आप आंसर बताइए, सर आप आंसर दीजिए, आपको कमेंट बताना है, ये आपके लिए है। हाँ, जब मुझे समय मिलेगा मैं इसका आंसर बताऊंगा, बट पहले आप कमेंट बॉक्स में या फिर आपको सब क्वेश्चन लिख के 40 क्वेश्चन एक वीडियो में कराएंगे, दो वीडियो कराएंगे, 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज चलेगी। तो आप आंसर लिख के एक कहीं पे भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए कैसा है। कमेंट में ये नहीं लिखना है कि आप आंसर, आप ही लोग के लिए क्वेश्चन है। तो डायनासोर्स, डायनासोर थे, डायनासोर्स क्या थे, सिनोजोइक रेप्टाइल थे, मीजोजोइक रेप्टाइल या पैलियोजोइक या एम्फीबियंस, आपको आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, मेटाथीरिया के दांत से ज़्यादा होते हैं, मेटाथीरियंस टीथ आर मोर देन, तो मेटाथीरियन जो थे वो दांत किससे ज़्यादा थे, तो ये आपको बताना है। ए बी सी डी दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लंग्स, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें एक फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स सिर्फ एक पाया जाएगा, किसमें, पक्षी में, फीडिया में, या फिर लेसरेटिलिया में, या फिर एक्वेटिक मैमल्स में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। हार्ट ऑफ एम्फीबियंस, जो एम्फीबिया का हृदय होता है वो कितने चैम्बर का होता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इफ़ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज टू पेसमेकर, जो टू पेसमेकर होता है ना, एस ए नोड ए बी नोड जो होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में, टू पेसमेकर मतलब एस ए नोड, तो निम्न में से किस जीव के हृदय में दो पेसमेकर होते हैं, आंसर आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेंटाइन ऑफ टीथ, जो टीथ में डेंटाइन होती है वो डेवलप होती है किससे, इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से, कि ओनली मीजोडर्म से, कि ओनली इक्टोडर्म से, कि ओनली इंडोडर्म से, ये भी क्वेश्चन बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग को बताइए। फर्स्ट एम्फीबियंस अपीयर, पहली बार पहले एम्फीबियंस उत्पन्न हुए थे, किस पीरियड में ये सबसे पहले एम्फीबियंस आए थे, तो ये भी आपको ही बताना है। ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश इज कॉल्ड, ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश जो होता है उसको क्या, किस नाम से और जानते हैं, तो ये भी आपको बताना है। आप गूगल भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको आंसर ये खोज के, और आपको सभी क्वेश्चन जब आप खोजेंगे क्वेश्चन ना, तो आपको ये जो 40 क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट, ये समझिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा, कभी गलत नहीं करेंगे। सोलिनोसाइट्स आर फाउंड इन, सोलिनोसाइट्स जो होती है एक्सक्रीटरी आर्गन होती है, तो ये सेल्स होती है एक्सक्रीटरी आर्गन होती है, तो ये किस में पाया जाता है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा या कार्डेटा में, तो आप लोग अच्छे से ये देखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, अब इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन मछली है, ये भी है, ये भी देख लीजिए, ये तो कौन सा इसमें फिश है, आप बताइएगा अच्छे से ऑप्शन में चूज करके। नेम ऑफ कोरल स्नैक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरल स्नैक का नाम क्या है, तो कोरल स्नैक का नाम क्या है, इसमें से चारों ऑप्शन में आपको बताना है। इलेप्स दिया गया है, और फिर एनसी ट्रोडोन दिया गया है, नेट्रिक्स दिया गया है, और क्या दिया गया है, डेड्रोफिश दिया गया है, तो इसमें से नेम ऑफ द कोरल स्नैक का नेम बताना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, द इंडो स्टाइल ऑफ एमिनोसीट लार्वा, एक एमोकीट लार्वा होती है वो ट्रांसफार्म इनटू, ये देख लीजिए एमोसीट लार्वा की एंडो स्टाइल बदलती है, ये एंडो स्टाइल ना जब लार्वा की जब मेटामॉर्फोसिस होती है तब चेंज होती है, किस में चेंज होती है, थाइमस में या एड्रिनल में, थायरॉयड में, पैंक्रियाज में, तो ये भी आपको बताना ही है। ये देख लीजिए डायस्टिमा इज, ये डायस्टिमा क्या कहते हैं, डायस्टिमा एक वर्ड होता है ना, तो ये बताना है। टाइप ऑफ टूथ, डायस्टिमा क्या होता है, टाइप ऑफ टूथ होता है या पार्ट ऑफ टूथ होता है, मतलब दांत का एक भाग होता है, या स्ट्रक्चर इन आई या आँख में एक संरचना होती है, या फिर गैप बिटवीन टीथ तो क्या होती है, ये भी आपको बताना ही है, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन, प्रीन नहीं है यहाँ पे जी बना लीजिएगा, ग्रीन ग्लैंड है, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं ना, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, किस में पाई जाती है, फिश में, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल्स में, तो किस में पाई जाती है, ये भी आपको ही बताना है। ग्रीन ग्लैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीनस हार्ट इज फाउंड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किस में पाया जाता है, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में या मैमल्स में, तो ये भी आप ही को बताना है। ग्लास स्नैक, ग्लास स्नैक किसको कहते हैं, पॉइजनस स्नैक, नॉन पॉइजनस स्नैक, पॉइजनस और रेप्टाइल किसको कहते हैं, ग्लास स्नैक है विषैला सर्प, विषहीन सर्प, विषैला सरीसृप, विषैला गोधिका, तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर किसी में लिख के आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्योंकि
अच्छे क्वेश्चन सब हैं। किडनी ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल की किडनी कैसी होती है? प्रोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, या मेटानेफ्रिक होती है, या ओपिस्टोनेफ्रिक होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, गोल्डन एज डायनासोर का गोल्डन स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, मीजोजोइक या पैलियोजोइक? तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, हाइस्चेक जो है, हाइस्चेक नेफ्रिडियम हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ, हाइस्चेक की उत्सर्जी किसके उत्सर्जन करती है? ब्लेनोग्लोसस, एम्फियाक्सस, या हार्डमेनिया, या अलाब्दीज, या उपयुक्त सभी में? तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनसाइक्रम बोन इज द फीचर्स ऑफ, सिनसाइक्रम अस्थि किसका लक्षण होता है? रेप्टाइल्स में, लिमलेंस, एम्फीबियंस में, या फ्लाइंग बर्ड जो उड़ती हैं, या नन ऑफ दीज? तो ये भी बताइएगा, सिनसाइक्रम बोन किस में होती है, किसका फीचर होता है? नोटोकार्ड ऑफ सिफाइलोकार्डेट, ये भी क्वेश्चन देखिए, नोटोकार्ड ऑफ सिफाइलोकार्डेट एक्सटेंड फ्रॉम, कह रहा सिफाइलोकार्डेट में जो ये नोटोकार्ड पाई जाती है ये कहाँ तक फैली होती है? तो ये देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है सिफाइलोकार्डेट, वहाँ खोलेंगे एनसीईआरटी 11th में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, फायरिंग से लेकर टेल तक पाई जाती है कि कहाँ तक पाई जाती है, ये सब देखिएगा पता चल जाएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लिविंग मैमल, इसी सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? इसमें से जिराफ है, वाइट एलिफेंट है, या राइनासोरस है, या ब्लू व्हेल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कूफर सेल्स आर फाउंड इन मैमेलियन, कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती है? ब्रेन में तो पाई नहीं जाएगी, हार्ट में भी पाया नहीं जाएगा, लीवर और किडनी में, एक ऑप्शन है, आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्पिक्यूल्स ऑफ हार्डमेनिया, स्पिक्यूल्स हार्डमेनिया की कंटिकाएं जो होती हैं, स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैलकेरियस की, सिलिसियस की, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बर्स इज फाउंड इन, बल्बर्स एक फाइट होती है जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, तो किस में पाया जाएगा? बैट में, ऑयल में, पॉइजनस स्नेक में, हार्डमेनिया में? तो बताइएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क डेंटिशन इन मैमल्स लैक्स, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनियों के दूध के दांतों में अभाव है, तो मिल्क डेंटिशन इन मैमल्स में, जो मिल्क डेंटिशन होते हैं मतलब बच्चों की बात कर रहा है, चाइल्ड की, तो क्या लैक्स मीन्स अब्सेंट होता है, तो बच्चों में क्या होता है? ये ऐसे होता है 21 10, ये देखिए 21 10 / 21 23 होता है, ये किसका होता है? 21 10 / 21 23 ऐसे ही होता है ना, आप देखेंगे तो अच्छे से 21 23 / 21 23 होता है, यहाँ लिख लीजिए। एडल्ट का जो डेंटिशन फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला होता है, वो 21 23 / 21 23 होता है। यह क्वेश्चन मैंने कराया है, जब वीडियो आप पूरा देखेंगे ना, जितनी भी ये, अभी एक चीज़ बताएं, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप एक प्लेलिस्ट बना दीजिए कि उसी में सब वीडियो कुछ डाल दीजिए कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि जितनी भी वीडियो चैनल पे है ना सब इम्पॉर्टेंट है, तो सभी आपको देखना, ऐसा नहीं है कि 10 वीडियो में एक प्लेलिस्ट में। अभी मैंने काफ़ी पहले ही बोला था ये बात कि अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, तैसे तैसे स्टूडेंट क्या कमेंट करेंगे, सर आप दो से तीन वीडियो बना दीजिए और 100 क्वेश्चन के, और उसी में से सब क्वेश्चन आ जाए एंट्रेंस एग्जाम में, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जादू तो है नहीं कि एक वीडियो बनाए उसमें से सभी क्वेश्चन आ जाए, तो जादू नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड का आप फार्मूला लिख सकते हैं, चाइल्ड का फार्मूला ये है, अब इसमें देख सकते हैं कौन सा होता है, 21 02 21 02 और अपना 21 02, ये होता है बच्चों का फार्मूला होता है, ये इंसीजर होता है, ये कैनाइन होता है, ये प्रीमोलर होता है, ये मोलर होता है, तो ये पूरे होते हैं, आप लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा डेंटिशन मैमल्स अब्सेंट होगा, तो ये प्रीमोलर ही होता है, तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, व्हिच फीदर कवर्स द बॉडी ऑफ द बर्ड, जो कौन से पिच पक्षी के शरीर को ढकते हैं, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, टिपिकल प्रोटोथीरियंस कैरेक्टर, प्रोटोथीरियंस के जो लक्षण होते हैं, विशेष लक्षण, वो बताना है। कॉल्किया का प्रेजेंट होना, हार्ट का, या फिर टार्सल का प्रेजेंट होना, या फिर सिगमेंटा डिस्टर्नम का, बताइएगा। नेक्स्ट, टारपीडो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारपीडो किसको कहते हैं? स्टिंगिंग रे, इलीगेट, डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट देखिए,
हार्डमेनिया एज, हार्डमेनिया क्या होता है? हार्डमेनिया एक मैमल्स होता है ना, मैमल्स का ये होता है, मैमल्स में मैमल्स ही होता है। हार्डमेनिया क्या होती है? यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल प्रोटोगाइनी या बाइसेक्सुअल प्रोटेंड्रस। प्रोटोगाइनी मीन्स जो क्या होता है, ओवरी सबसे डेवलप होगा, और प्रोटेंड्रस मीन्स इसमें टेस्टिस डेवलप सबसे फर्स्ट पे होता है। तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन देखिएगा, आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, तो देखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वाइपर जो विष होता है ये किसको इफेक्ट करता है? न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम को, प्रोटियोलिटिक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, या हीमोटॉक्सिक या जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, नन ऑफ दी। तो वाइपर बीनम के रिस्पेक्ट में सर्च करिएगा, पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो देखेंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा ही। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाता है? अंश भुज्जी विदलन पाया जाता है किस में? लैंसेट्स में, फ्रॉक्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, देखिएगा बताइएगा। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लेडर इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्राशय निम्न में से किस में नहीं पाया जाता? जो ये यूरिनरी ब्लेडर होता है ना, ये अब बताना है, यूरिनरी ब्लेडर जो होता है ये किस में नहीं पाया जाता? तो यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? जिसमें यूरिन आके कलेक्ट होता है। तो ये नहीं पाया जाता रेप्टाइल में, बर्ड में, किस में नहीं पाया जाता, देखिएगा फिर उसके बाद आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नैक, सर्पों का विषदन जिससे डसते हैं उसको, वो किसका मॉडिफाई होता है? मैगलरी टीथ होती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, या प्री मैगलरी या बोमेरिन? तो ये देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स? अब इसमें से कौन सा, लेप्डो स्पायरेंस, लेप्डो स्टेनम, लेप्टमेरिया, ये सब बताइएगा। नियो सिरेटोड्स कौन सा इसमें क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, लिविंग फॉसिल्स कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन बताइएगा, निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्वा ऑफ बलेनोग्लोसस इज, बलेनोग्लोसस का लार्वा इसमें से कौन सा है? टार्नेरिया है, पिट्रोकोफोर लार्वा, या अमोकिड लार्वा, या मैगाट? तो ये देखिएगा, लार्वा ऑफ बलेनोग्लोसस, एक वीडियो बनने वाली है कि सभी के लार्वा क्या क्या होते हैं, लार्वा का नेम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ओनली लिजार्ड दैट पॉइजनस इज, विषैली छिपकली कौन सी है इसमें से, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन व्हिच साइड ऑफ फीमेल बर्ड ओवरी डेवलप्स, मादा पक्षियों में अंडाशय किस तरफ विकसित होता है, ये भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सरंगी भेग किस क्लास में आता है? कार्डेटा, रेप्टेलिया, एम्फीबिया, या एन्यूरा? नेक्स्ट, सिटेशियंस आर, सिटेशियंस क्या होते हैं? होफ्ड मैमल्स होते हैं, खुर वाले होते हैं, या फिर समुद्री वाले होते हैं, एक्सटिंक्ट वाले विलुप्त जो हो गए हैं, या फिर एरियल मीन्स जो वायवीय होते हैं, हवा में होते हैं, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट, दी लास्ट 3 to 4 टेल वर्टिब्रा ऑफ बर्ड आर फ्यूज टू फॉर्म, क्वेश्चन कह रहा है पक्षियों की आखिरी 3 से 4 जो टेल होती हैं वो वर्टिब्रा, वो आखिरी कशेरुकी समेकित होकर, मतलब साथ में मिलकर क्या बनाती हैं, सैंक्रम, फरकुला, या पाइगोस्टाइल, या फिर स्काइपुला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रतिगामी कायांतरण गुण है, रिग्रेस, ये जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है किसमें होता है? इरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में, या सिफाइलोकार्डेटा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमेनिया, फिर हार्डमेनिया से काफ़ी 2-3 क्वेश्चन है, हार्डमेनिया से देखना है कि न्यूरल, उसमें एक न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है हार्डमेनिया में ना, इसका फंक्शन क्या है, सेंसेशन का, रिस्पायरेशन का, एक्सक्रीशन का, कि सर्कुलेशन का? तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द जूलॉजिकल नेम ऑफ स्केली एंटीटर, कटकीय चींटीखोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? स्केली एंटीटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? तो ये भी देख लीजिएगा कौन सा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन, कोई एंट्रेंस एग्जाम बचा नहीं है जो ये क्वेश्चन पूछा ना हो, कि पक्षियों में आवाज़ उत्पन्न होती है, जो बर्ड होती है ना आवाज़ उत्पन्न करती हैं किससे, एयर सैक्स में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, कि सैरिंग से? तो ये क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट डाउन भी करिएगा। लंग फिश आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर, क्वेश्चन कह रहा है फुफ्फुस मीन वर्ग में समाहित है, जो लंग्स फिश होती हैं वो किस ऑर्डर में है?
पॉलीपेटेरियंस में पॉलीप्टेरी फार्मिस या एसिपियंस फार्मिस या फिर डिप्नोई फिश में या फिर सार्कोप्टेरगी में कौन से हैं, ये देखिएगा अपना हिंदी में करके बताइएगा। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ इनेमल, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है, क्राउन ढका होता है, रूट या डेंटाइन या अलाब्धि सभी ढके होते हैं। नेक्स्ट देखिए 48, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैमल्स, अब इसमें ना पेयर की बात कर रहा है ना ऐसे ही बात कर रहा है तो आपको बताना ही है। तो स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कौन सी होती है, कितनी है, 8 है, 10 है, 12 है, कौन है, 14 है, क्या है, सब बताइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ए यूरिनरी ब्लैडर, अब ये क्वेश्चन आ गया कि यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, तो ये देखिएगा इसमें रैबिट में, फ्रॉग में, स्नैक में, पिजन में, तो देखिएगा और बताइएगा किस में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। नेक्स्ट, हर्बीवोर सी मैमल्स बिलोंग टू आर्डर, ये कह रहा शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं वो किस आर्डर में आते हैं, ये देखिए फालीडोटा में आते हैं या फिर सिटेसिया में आते हैं या फिर साइरेनिया में आते हैं या फिर आर्टियोडेक्टाइल्स में आते हैं, किस में आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप बताइएगा। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए और एक वीडियो और बनेगी 50 क्वेश्चन, उसमें भी कर लेंगे, तो आप फिर 100 क्वेश्चन की आंसर की एक वीडियो बनेगी, बट अभी नहीं बनेगी, जब समय मिलेगा तब बनेगी, क्योंकि इसका आंसर तो है नहीं किसी के पास, तो मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इस आंसर के लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन मुझे आ ही रहे हैं, कुछ मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग पहले मेहनत करिए, क्योंकि आप ही लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और आप ही लोग को क्वालिफाई करके 2021 में कोई भी कोर्स करना होगा तो आसानी से भी सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को रिवाइज जरूर, जितनी भी वीडियो है चैनल पे ना प्लेलिस्ट वाइज अपना प्लेलिस्ट पहले खोल लीजिए, फिर प्लेलिस्ट खोलने के बाद क्या करिए, हर एक प्लेलिस्ट का नाम लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, फिर जितने भी प्लेलिस्ट में नेम है और नेम में जितनी वीडियो है अपना देखना शुरू कर दीजिए। तो अच्छे से करिए 2021 में और पॉजिटिव थिंकिंग करके चलिए कि सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अभी आप एकदम लगे रहिए, 10 से 12 घंटे डेली कंटिन्यू लगे रहिए, सिलेक्शन तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।